सिंह की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चाओं में रहती है उससे कहीं ज्यादा विवादों में उनकी पर्सनल लाइफ रहती है। ये बात और है कि अपने पर्सनल विवादों पर कभी अपनी चुप्पी पवन सिंह ने नहीं तोड़ी है। उनसे लेकर आज तक जितने भी विवाद हुए हैं पवन ने कभी उसकी सफाई तक नहीं दी है। लेकिन अब पवन सिंह क्या अपनी कैसनोवा वाली पूरी इमेज तोड़कर एक वन मैन वाली इमेज बनाना चाहते हैं? आप अगर हमारा ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि पहले के पवन में और अब के पवन सिंह में काफी अंतर हो चुका है। अपनी दो असफल शादियों को पवन सिंह नहीं बचा सके, शायद इसके पीछे उनकी वही इमेज रही थी जिस इमेज से अब वो छुटकारा पाना चाहते हैं। और अपनी तीसरी शादी को लेकर पवन सिंह इतने गंभीर हैं कि अब अपनी पुरानी गलतियों को वो दोहराना नहीं चाहते। तो चलिए बताते हैं क्या है वो बातें। पवन सिंह ने पहली शादी की रीना रानी से, जो कि उम्र में भी पवन सिंह से बड़ी थी, और वो शादी मात्र 3 से 4 महीने चली होगी, क्योंकि रानी तो पहले से ही तलाकशुदा थी और वो एक बच्चे की माँ थी। दूसरी शादी उन्होंने गांव की भोली भाली नीलम से की। नीलम पवन सिंह से छोटी भी थी और इस भोजपुरी इंडस्ट्री के ग्लैमर से अनजान भी। जिस वक्त पवन की नीलम से शादी हुई उस वक्त नीलम बीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन पवन ने अभी अपनी पहली शादी से ही कुछ सबक नहीं लिया था। उन्होंने वही गलतियां फिर अपनी दूसरी शादी में दोहराई और इसका अंजाम ये हुआ कि नीलम ने आत्महत्या कर ली खुद उन्हीं के फ्लैट में। कहीं न कहीं नीलम की मौत का जिम्मेदार आज भी लोग पवन सिंह को ही मानते हैं। फिर आया मार्च 2018। जी हाँ, 6 मार्च 2018 को फिर से पवन सिंह ने शादी की और वो भी इस बार ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह नए जमाने की हैं और नए जमाने के तौर तरीकों को पूरी तरह से समझ चुकी हैं, और पवन भी लगातार रिलेशन में रहने के बाद वो समझ चुके हैं कि अब उन्हें कहीं न कहीं तो स्टेबल होना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं अपनी छवि समाज में ये बनानी पड़ेगी कि वो अब एक ही औरत के प्रति वफादार रहेंगे। तभी तो अक्षरा सिंह से रिश्ता तोड़ने में उन्हें रंज मात्र का भी गम न लगा और उन्होंने अक्षरा सिंह से अपना वो रिश्ता तोड़ दिया जिसे ये माना जा रहा था कि पवन और अक्षरा दो जिस्म भले हैं लेकिन एक जान है। अपने दोनों रिलेशनशिप में पवन ने ये गलती की थी कि रिलेशनशिप में होते हुए भी उन्होंने और औरतों से संबंध रखे। और दूसरी बात, जो कि अपनी फैमिली को उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन ज्योति के साथ ऐसा रवैया पवन का बिल्कुल नहीं है। आज उन्होंने अपने हर रिलेशन को तोड़ दिया है सिर्फ ज्योति के लिए और उन्हें भरपूर टाइम भी दे रहे हैं ताकि उनका रिलेशन और मजबूत हो सके। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पवन अब अपने दर्शकों और अपने परिवार की नजर में खरा उतरना चाहते हैं। वैसे इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। पवन सिंह इसलिए किसी विवाद में नहीं फंसना चाहते कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और वो नहीं चाहते कि वो किसी भी विवाद में ऐसे पड़े कि वहां उनके साथ साथ उनकी पार्टी का भी नाम खराब। अब 2019 के आने वाले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह पर जो बड़ी जिम्मेदारी होगी वो पार्टी प्रचारक की ही होगी। ऐसे में पार्टी किसी ऐसे इंसान से प्रचार नहीं करवाना चाहेगी जो पहले से ही विवादों में घिरा हो। इसलिए अब संभल संभल कर और बच बच कर चलने का समय पवन सिंह का है।
वैसे भी अपनी माँ को पवन सिंह भगवान का दर्जा देते हैं, और अब वो खुद भी नहीं चाहते होंगे कि उनका ये रिलेशनशिप ज्योति के साथ खराब हो। अब पवन सिंह चाहे माँ को खुश करना चाहते हों या अपनी इमेज सुधारना चाहते हों, लेकिन पवन सिंह ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वो अब जो भी है अपनी पत्नी का ही बनकर रहना चाहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।